हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत। कोडरेंसी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे कि कंटिन्यू कीवर्ड का यूज आप लूप स्टेटमेंट में कैसे करते हो। तो कंटिन्यू कीवर्ड पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको फॉर लूप से बताऊंगा, उसके बाद मैं डू वैल्यू पे आऊंगा। वो मैं क्यों कर रहा हूँ वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से मैं फिलहाल के लिए इसको कट कर देता हूँ, ताकि बाद में मैं इसको कंट्रोल ही से सेम कोड को यूज कर पाऊँ और मुझे दोबारा लिखना ना पड़े। कंट्रोल एक्स किया, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर लूप लगाते हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट आई। फॉर लूप में आपको बताया था कि फॉर कीवर्ड दो, यहाँ पे इनिशियलाइज करना है आपको। तो आई इक्वल्स टू 3 रख लेते हैं, आई लेस देन इक्वल्स टू 30, आई प्लस इक्वल्स टू 3। यहाँ पे इसको प्रिंटएफ में परसेंट डी बैक स्लैश एन कॉमा आई और यहाँ पे सेमी कॉलन। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन बनाएंगे कि यदि आई का वैल्यू 15 हो तो वो स्किप कर जाए। और स्किप कहने का मतलब है कि आप कंटिन्यू कीवर्ड लगा रहे हैं। कंटिन्यू कीवर्ड का मतलब ही होता है जो करंट लूप आपका है उसको स्किप कर दे। तो यहाँ पे आपने कंडीशन क्या लगाया, इफ I इक्वल्स टू 15 करली ब्रैकेट में कंटिन्यू, इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए आपका प्रिंट क्या हुआ है, 3 के टेबल में 3, 6, 9, 12 के बाद 15 आना चाहिए था, लेकिन ये 18 आ रहा है। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि आपने यहां पे कंडीशन में ले रखा है आई इक्वल टू 15। कंटिन्यू कीवर्ड का मतलब ही होता है जो आपका करंट लूप चल रहा हो उसको आप स्किप कर दो। तो करंट लूप आपका क्या है, 15 वाला है, तो इसको वो स्किप कर दिया। तो स्किप करने के बाद आई का वैल्यू जो है इंक्रीमेंट होके 18 हो गया, और 18 लेस देन इक्वल टू 30 कंडीशन ट्रू मिला उसको, तो वो प्रिंटएफ में आपको 18 दे दिया और वो फर्दर 24 करके वो 30 तक प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह आप कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करंट लूप को स्किप करने के लिए करते हो। सेम हम यूज करते हैं आप डू वाइल वाला लूप जो हमने कंट्रोल एक्स किया था। तो यहां पे हम कर देते हैं कंट्रोल वी, और यहां पे हमने क्या किया है, ब्रेक कीवर्ड के जगह पे कंटिन्यू कीवर्ड दे दिया। सेम वही हमारा प्रोग्राम है, इसमें देखते हैं क्या चेंजेस आता है। सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए यहां पे क्या आया, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। मतलब यहां पे 15 भी प्रिंट हो गया। 15 क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि आपने यहां पे ले रखा है इफ आई इक्वल टू 15 तो कंटिन्यू करा दो। तो कंटिन्यू आपने कब किया, जब यहां पे आई का वैल्यू 15 हो चुका था, और जब लूप फिर से चलना स्टार्ट हुआ तो उसने प्रिंटएफ को देख लिया, और प्रिंटएफ को देख लिया तो उसको वैल्यू प्रिंट करवाना पड़ा। तो प्रिंट करवाना पड़ा, इसका मतलब 15 वैल्यू यहां पे आ गया, और 15 वैल्यू आने के बाद यहां पे फिर 3 इंक्रीमेंट हो गया और उसकी वैल्यू हो गई 18। 18 होने के बाद वो फर्दर यहां पे व्हाइल लूप में कंडीशन चेक करवाना स्टार्ट कर दिया, और फाइनली वो इंक्रीमेंट होते होते 30 तक कंडीशन चेक करवाया और आपको वैल्यू प्रिंट करवाता गया। तो इसीलिए आपको यहाँ पे आउटपुट दिख गया, और ये फाइनल वैल्यू जो आपका 33 आया है वो इस वाले के लिए आया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।